ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये है आज ईद का दिन। कल रात में सिवाई वही बनने के बाद कुछ शूट नहीं हुआ और वहीं पे मैंने उस व्लॉग को ख़त्म कर दिया जो पिछले 3 दिन से चल रहा था। एंड ये है नया व्लॉग, तो वेलकम टू द ईद व्लॉग। एंड यस, सब जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे काफ़ी सुबह हम उठ गए थे, इट्स लाइक 5:30 पे। तो अभी बज रहा है यहाँ पे कुछ 7 और बाकी सारी चीज़ें प्रेप हो रही हैं, जैसे कि सेवई के साथ साथ और सारी चीज़ें होती हैं, दही बड़ा, फुल्की, ये सब चीज़ें। तो फिलहाल आई एम इन टू दैट, अभी मुझे वो सब करना है और सब नमाज़ पढ़ के फिर आएंगे, तो फिर सबसे ईद मुबारक करेंगे। एंड यस, वेलकम टू द ऑफिशियली ईद व्लॉग। एंड देखते हैं, बहुत टाइम बाद, लाइक दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर विदाउट खुशबू, एंड हम चारों की भी अकेले ईद यहाँ पे है। तो बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज ईद में बहुत अकेला अकेला था, तो इस बार सब साथ में है, तो आई एम एक्साइटेड। तो यस, वेलकम टू द ईद व्लॉग। अब फोटो खींचे, कैमरे में देख रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ का चूल्हा जलाने में बहुत डर लगता है। सबा का ऑर्डर है कि मैं छोटे छोटे बड़े बनाऊं भाई, ड्राइंग की मैं छोटे छोटे बनाऊं। हां, इतना ही बनाओ जितना लिए, इतना ही बनाओ जितना लिए। हाय बक्का, फर्स्ट शिफ्ट इज डन। अब दूसरी शिफ्ट की गाड़ी आ चुकी है। डिवाइड एंड रूल चल रहा है। समय झोला दही फुल की दही बड़ा और कुछ बचा है? नहीं, कलेजी की प्याज भून के रखा है। ईद मुबारक। खाली हाथ क्या कर रही है यार? ईदी मिलती है, ईदी नहीं दे। खाली हाथ बोलिए ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक पापा, ईद मुबारक पापा, दौड़े से ईद मुबारक। ईद मुबारक। उठ नहीं रहे? दिन अलग साथ ईद मुबारक हो रहा है कुछ। मुबारक भैया, ईद मुबारक। अच्छी है, खतरनाक तरीके से। चक्कू के साथ ईद मुबारक। सबा स्पेशल छोला, ये हमारा दही बड़ा हो चुका है रेडी। अब इस पर बस मसाला और चटनी पड़ेगी। दही फुल्की भी हमारी बन गई है। सबा दही फुल्की, जिसकी दही गिर गई मेरे हाथ से और बेइज्जती हो गई मेरी। एक तरफ ये बिरयानी बननी है, तो उसकी प्याज अभी हम लाल करके रख रहे हैं कि फिर नहा के आएंगे तब सीधे वो काम होगा। और एक चीज़ की प्याज लाल हो गई, चीज़ की प्याज लाल हो चुकी है ऑलरेडी। दही फुल्की भी बन गई है। इतनी गर्मी हो रही है कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ। दही फुल्की, छोला, दही बड़ा, सेवई, सब डन है। ये रही दही फुल्की, ये रहा छोला। तो बोलो क्या बोली तुम? गिरा और खुद ही उठाओ, यही उठा खा लूँ। हाँ खा लो, हमसे तो नाउम्मीद रखना। इतना काम कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है। गिनती गिना लेंगे, गिना लो पसीना ज़्यादा, काउंट करा लेंगे। अगर अगर हम बर्तन की गिनती गिना लिए ना, इतना बर्तन धुल रहे हैं हम, इतना बर्तन धुल रहे हैं। आज हम एक्साइटेड बिरयानी बनाने के लिए, और चचा मेरी बहुत क्लास लगा रहे हैं कि आज टेस्ट लेंगे कि कैसी बनेगी। और अभी हम ईद के दिन सब नमाज पढ़ के आ गए, अभी हम नहाने भी नहीं गए हैं भाई। बन जाए तो बन जाए, लोग देख चुके हैं मेरी बिरयानी बहुत बार, टेस्ट ले रहे हैं लोग मेरा। इतनी रोटी बनाई है मैंने और सबा ने इतनी देर बैठ के इस गर्मी में। वाह, क्या बकरीद हो रही है हमारी। उसके बाद हमने जिशान भाई को कॉल किया, सबसे वीडियो कॉल पे बात की। ईद मुबारक की नूर, खुशबू, शादमप्पी सब थे। अस्सलाम वालेकुम सबको, ईद मुबारक। हम
नहा वहा के तैयार व्यार हो गए, मतलब नहा लिया है अभी। वैसे प्रॉपर फोटोशूट के लिए वैसे नहीं तैयार हुआ, ये है कि शाम को होंगे क्योंकि यहाँ बहुत धूप है। फिलहाल ये पहली मील होने जा रही जो कि होती है कलेजी रोटी, सबके यहाँ ही होती होगी। तो आज 1 बज गया है और अभी तक हमारा पहला मील भी नहीं हुआ है। तो अब सब फाइनली इकट्ठा होकर, सब कुर्बानी वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया और सब साथ बैठ के खाना खाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद गैप लेके फिर हम जाएंगे, थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। एंड दिस इज़ द आउटफिट जो इतनी मेहनत से बना है, अभी मैं इसको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। मुझे ये भी नहीं पता कि सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी। अब तीन लोगों से सबसे बात भी हो गई है, चलते हैं पहले खाना खाते हैं फिर आगे की अपडेट देते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। नींबू है, नींबू है जी, नींबू तोड़ो कलेजी खाने के लिए। कुर्ता पजामा कौन सी थान से खरीदे भैया, बहुत बढ़िया। हम तो बैठे रहेंगे, छोटे हो तो भाई तो इतना ये सही मिला है। मोबाइल तेल डालना पड़ेगा भाई, क्यों डालें थी आज की। क्या क्या कितना खराब क्वेश्चन उसने पूछ लिया, कैसी थी आज की ईद। हाँ, एकदम उठे, बनाए, बनाए, सो गए, फिर नहाए, फिर खाए, फिर सो गए और अभी तक अभी बैठे हैं। सोच रहे थोड़ा तापमान कम हो तो चलें, तैयार हूँ फोटो खींचे। अच्छा अभी फोटोशूट नहीं हुआ तुम्हारा, तो ये लखनऊ में बोले थी खेत में जाएंगे फोटो क्लिक करेंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे। कहाँ बोला था, खेत में नहा रही ना कुछ। ईद मुबारक। खेत में जब हरियाली नहीं है तो क्या करोगे जाके? ले जा रही हूँ मैं सरसों को ना। सरसों? सरसों पहन के जा रही हूँ ना। हाँ तो पता लगेगा है, थोड़ी दूर में उगा है सरसों बस। साकिब ईद मुबारक। आम के पेड़ के नीचे पका आम गिरेगा खोपड़ी पे। पलट ही दिया, हाथ ही पलट दिया ईद मुबारक पे। और क्या, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। तो बिछाने के लिए 4-5 रुपए ऐसे खड़ी कर। साकिब भाई खुदा हाफिज़, साकिब भाई खुदा हाफिज़। देखिए आज कसाई बहुत महंगा मिल रहा है। अरे ईद मुबारक, आइए आइए आइए, वहाँ तक काफ़ी लोग आ गए, देखिए आइए वहाँ। ईद मुबारक, कौन से कौन, ईद मुबारक, आज सही मिला है, देख आज नहीं शर्मा रहा है। लेकिन ये बहुत मजेदार था, देख लिया गाड़ी, गाड़ी तो लाए आप, कहाँ तक छोड़ने जा रहे हैं? सुनिए और देख लिया, सब अपनी है यार, क्या देख लिया, हर गाड़ी से खाली गोश्त निकल रहा है। निशान इनका गाड़ी दिखाओ तो, कहते ये गाड़ी देख लिया, वो गाड़ी देख लिया भैया। हम गाँव देखो, गाँव गाँव, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह बाय बाय। सूरज अभी भी उतनी ही, एक आखिरी अल्लाह हाफिज़। सुनिए सर, पिंक कुर्ता जो था वो हटाना चाहिए था ना बगल में। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक इंशाल्लाह। कहाँ जा रहा है? 6 बज रहे हैं और इतनी धूप है, इतनी धूप है कि अभी सब तैयार होना शुरू भी नहीं हुई है। जान आइएगा, अब हमारा फाइनली फुल ग्लैम हो गया और हम जा रहे हैं फोटोज लेने फाइनली फाइनली फाइनली, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप चली गई है और फोटो वोटो लेने, क्योंकि वापस आके हमें बनानी है बिरयानी विच इज़ बिग काम। तो इसलिए पहले हम फटाफट फोटोज लेके फिर वापस आते हैं। हम लोग फोटोज लेने आए हैं यहाँ पे, सब फाइनली तैयार हो के, ज़्यादा बैकग्राउंड गंदा म्यूजिक मत दो। खलियान खाली हो चुका है बट यहाँ हम लोग फोटोज लेने आए हैं फाइनली, तो हमारी कुछ अच्छी फोटोज आ जाए। ठीक है ये अनाबिया, तुम रिमोट पकड़ी रहना, कुछ करना नहीं, थोड़ा सा। ये है हमारे दादा की ट्विबल जिसमें हम लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा नहाया है, बहुत ज़्यादा ही नहाया है हम लोगों ने इसमें बचपन में, यहाँ भाग भाग के आते थे, मेरे दादा यहाँ से गेट खोलते थे और हम सब यहाँ मज़े से आते थे, ऊपर हम लोग बैठ के आम भी खाते थे। फिलहाल आज मैं दादा का नाम भी, चलो करो आ रहा है साफ, ये देखो आराम से, ये वीडियो बनानी, अरे अल्लाह बिरयानी बनाना है अभी, पैर ना टूटे अल्लाह। यस फाइनली हमारा फोटोशूट हो गया है, जो कि मेरा मेन था, हो गया है फाइनली।
और अब आ जाओ सब। मैन ईद मुबारक। अगले साल कौन याद करेगा कैमरामैन को? कोई नहीं। कितनी कमीनी है। नीचे देखना, नीचे देखो, हम बिल्कुल नहीं याद करेंगे। हमारे घर से एक आफत जा रही। जो कितनी बुरे हैं, कह रहे हमारे घर से एक आफत जा रही। बिल्कुल नहीं याद। हमारे घर की आफत जा रही। आओ, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपने अच्छी ईद मुबारक तो किया नहीं मेरे साथ। ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। आज मेरी अम्मी गर्मी में तैयार नहीं हुई है। ईद मुबारक। फ़ोटो शूट करा के वापस आके फ़ौरन से हम इधर बिरयानी पे लगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, क्योंकि आज सब लोग इकट्ठा है। बड़े अब्बू सामने से भी आए हैं और जिशान पे जान सब लोग आए हैं। बड़े अब्बू लोगों तो ये था टाइम पे हो जाए। एक तरफ मेरी अपनी हो गई यहाँ पे, दूसरी तरफ मेरे यहाँ पे चावल हो गए तो बोल रहे हैं। आई होप टाइम पे बन जाए, मैं लेट ना हूँ। बहुत बार परत लगा चुकी, परत लगाने की टेंशन नहीं है। मिलने आने से बिरयानी अच्छी बन जाएगी। नहीं, बनाने वाले पर स्मेल अच्छी आ रही है ना, बनाने वाले पर डिपेंड करती है बिरयानी कैसी। मिलाने वाले पर कैसी बनी, बहुत अच्छी। प्लीज बिरयानी मुझे खिला दो, मैं देख लूँ। सारे मजाक की बात नहीं, बताओ एक रोटी खाए। सही बताओ, सही में अच्छा बताइए, पिए जल्दी बताइए। बहुत स्वादिष्ट, वेरी वेरी नाइस, गुड। खाने तुझे कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। यानी मेरी पास हो गई और मैं अभी खा के उठी हूँ बस। भाई ईद डे टू, बोलो ईद डे टू इट इज, और हम जा रहे हैं बाहर घूमने, मिलने सबसे। कहाँ जा रहे हैं? मिलने सबसे। यस अम्मी, हम दिस इज ईद डे टू और हम जा रहे हैं बड़ी अम्मी से नब्बी से। पहले हम जा रहे थे अपनी खाला के यहाँ, वहाँ सबसे मिलने। क्या अच्छे से पता तो चले खाला वाला के घर आए थे, वो रानी भी अच्छे से आ रही। हमको मालूम था खाला। हाँ अम्मी बता दो, अचार खटाई सब खाए। देखो अब पापा बोले तो बता रही हूँ, पहले नहीं पता। जो हमारे घर पहले से नहीं आएगा वो शादी नहीं अलाउड है। नहीं नहीं आएंगे। लखनऊ आओ जल्दी। नहीं लोग नहीं, नहीं हमको सबसे ज्यादा चाहत है खाला आ जाए, तुम खाला से लड़ाई करेंगे पहले। दिल खोल के लड़ाई तो हमारी जिंदगी में किसी से नहीं हुई जितनी हमारी खाला से लड़ाई हुई है। अल्लाह हाफिज़। जा रहे हैं बाजी, अच्छा साल। खाला के घर से निकल के हम जा रहे हैं जान पहचान के घर। रियल विलेज फील। इनकी तरफ बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, यहाँ लगाए गए हैं। हम आ चुके हैं जिशान खजान के घर और अब यहाँ से फिर हम वापस जाएंगे नानी के घर और उसके बाद आगे फिर लखनऊ। आज वापसी है। आज हमारे आज सना पिक किचन है, आज सना पिक किचन में बिरयानी बन रही है। क्या यार, ईद मुबारक आपको भी। देखा आपकी फैमिली को भी, आप हमारी फैमिली तुम ही हो, अभी हमारी फैमिली तुम ही हो। आज हम यहाँ आए हो, आज हमारे लिए यहाँ बिरयानी बन रही ना। तो राधा ने बनाई थी? नहीं, हमने आपकी डिश याद कर दी थी। मेरी बिरयानी बनेगी ना, कलम बनाए थे दौलतपुर में बिरयानी। आपने बोला था, आपकी फरमाइश हमें याद थी। नहीं कलम बनाए थे दौलतपुर, हम सोचे कि तुम क्यों नहीं। तारीफ सुनी ना, माशाल्लाह। लाइट आ गई, चल गई बत्ती, चल गई। नहीं हमसे पापा आज सुबह मार खोले गए, बिरयानी बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी। कहाँ ये इतने जुल्फ घनेरी बाल लेके चल रही हो तुम?
दीदी लाओ 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 खुद ही बनाई खुद ही खा रही हूँ खुद ही बनाई खुद ही खा रही हूँ चुप पे तुम खाओ कम ही कम निकालो अच्छी बनी है आओ नहीं तारीफ इसलिए हो रही है कि टेस्ट अच्छा था ठीक है चावल गलत हो गया इसलिए मजाक उड़ रहा है क्यों नहीं और बताओ तो आज तो खुद ही बनाई हो ना बहुत शुक्रिया बता तो रही हूँ उसके लिए बताया मैं तारीफ कर रही हूँ यार अच्छी बनी थी कहाँ गेट वेट खोल के थोड़ी रोशनी ले आए इतनी अंधेरा नहीं है बड़े बड़े अब्बू घर में जितना आ रहा है आओ कहाँ गई सारी खुद को कैमरे में चेक करके वापस हो लिए कि हम सही नहीं लग रहे पहले खुद को ऐसे कैमरे में चेक किए कि हम सही लग रहे हैं कि नहीं फिर कह रही है लालो हम सही नहीं लग रहे को चाट नहीं खिलाया हम याद रखेंगे नहीं पापा हम ये सब यहाँ बोल देंगे लिख देंगे तुम जो जो बोल रहे हो ठीक है और उसके बाद बताइएगा तुमको अभिमान है आप भी परसों खिलाएंगे आप भी ये करेंगे इतना दिन उन्होंने वादा किया जितना उन्होंने चाट नहीं खिलाया ठेला वाला आ जाता है यार गर्मी को मद्देनजर रखते हुए अरे आपने सीधे बकरीद मुबारक कर दिया बकरा खिला दिया कोई बात नहीं चाट की माफी इतना झूठ ना बोलो दोनों भाई मिल के कि इतनी सस्ते हो जाए किताब से ली जाए आओ सनफी आ जाए असली बकरी तारीफ भाई करो ये बकरी लखनऊ ले जाओ वहाँ से निकल के हम वापस आ गए हैं दादी के घर बड़ी मम्मी के यहाँ से होकर और अब मैं होपफुली इस ईद व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करूँगी प्लीज़ लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना आई होप यू गाइज लव दिस व्लॉग मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ हम सारी जगह से हुआ है अब हम मम्मी के यहाँ मिलेंगे थोड़ी देर और फिर वहाँ से हम लखनऊ निकल जाएंगे सो इन दिस व्लॉग आई मेट एवरी वन ऑब्वियसली दिस वॉज माई लास्ट ईद ईयर तो इट्स अ स्पेशल कि मैं सबसे मिलके जा रही हूँ खाला के यहाँ भी मिल ली है बड़ी अम्मी के यहाँ भी मिल ली है माऊँ मानी के यहाँ भी मिल ली है अभी नानी के यहाँ भी वापसी में मिल लेंगे सब दादी दादा के यहाँ सबसे मिल ही लिए हैं तो इट्स लाइक कम्प्लीट ईद सो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करी हूँ लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में लखनऊ पहुँच के आपसे